वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट चल रही हैं और हर क्लास कुछ ना कुछ आपको नंबर दिलाने वाली है। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी सारी क्लासे पढ़ा दी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारी क्लासें आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता ही है, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका गुफाओं पर जो कार्य किए हैं चित्रकारों ने उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम गुफाओं पर जो कार्य हुए हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं सभी लोग जल्दी से जो चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो फटाक से कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे से, सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है हमें सभी को पता है, गुफाओं पर जो चित्रकारों ने काम किया है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली गुफा है आपकी बादामी गुफा। पहली गुफा क्या है आपकी? बादामी गुफा, जिसमें काम करने मतलब जिस गुफा में काम किया है अहिवासी ने। किसने काम किया है? अहिवासी ने किया है और इनको जो आमंत्रित किया था ललित कला ने आमंत्रित किया था। याद रखना है, ललित कला ने इनको आमंत्रित किया था कि आप बादामी गुफा में जाओ और वहां पर इसका कार्य शुरू करो। ठीक है, तो कौन गए थे आपके? अहिवासी गए थे। कौन सी गुफा में? बादामी गुफा में गए थे और साथ में ही आपके कार्ल खंडाला वाला भी, इन्होंने भी काम किया है बादामी गुफा में, और के हैब्बर ने भी आपके बादामी गुफा में काम किया है। तो यहां से आपके तीन कलाकार मिलते हैं, अहिवासी, कार्ल खंडाला वाला और साथ में के हैब्बर। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, दूसरी गुफा आती है आपकी बाघ की गुफा। दूसरी गुफा कौन सी है? बाघ की गुफा। यहां पर जो है सबसे पहले 1921 में हलदार असित कुमार हलदार गए थे। कब? 1921 में। कौन सी गुफा में? बाघ की गुफा में। दूसरे हैं आपके नंदलाल बोस। दूसरे कलाकार कौन है आपके? नंदलाल बोस है, याद रखना है। ये भी बाघ गुफा में कार्य कर चुके हैं। आगे सुरेंद्र नाथ कर हैं, वीवी जगपत हैं, बीएन आमटे हैं। नीचे कम इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने नीचे लिख दिया है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट मेन मेन है असित कुमार हलदार हो गए, नंदलाल बोस हो गए, मुकुल डे हो गए, एसएस भांड हो गए, ये सब जो है इन्होंने आपके बाघ गुफा में काम किया है। ठीक है, याद रखना है। तो पहले हमने बताया आपकी बादामी गुफा, दूसरी बताई हमने बाघ गुफा। अब बाघ गुफा के बारे में एक फैक्ट है कि इसकी जो प्रतिलिपियां रखी गई हैं किस संग्रहालय में रखी गई हैं, तो आंसर जाएगा आपका ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय में। कहां पर? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय में। कौन सी गुफा से रिलेटेड है? बाघ की गुफा। इनकी प्रतिलिपियां यहां पर रखी गई हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे आता है आपका अजंता, अजंता की गुफा। अब इसके बारे में देख लीजिए, तो यहां पर 1910 में लेडी हिरिंगम, क्या है यहां पर? 1910 में लेडी हिरिंगम। इनके साथ में पांच लोग थे, इनके साथ में पांच लोग थे जिन्होंने यहां पर कार्य किया है आपकी अजंता की गुफा में। ठीक है, तो अब पांच लोग वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, समरेंद्रनाथ गुप्त, के वेंकटप्पा, सैयद अहमद, नंदलाल बसु, ल्यूक तथा आर्चर। ये जो आपके पांच लोग हैं, ये आपके पांच लोग कहां पर काम करते हैं? आपके अजंता गुफा में काम करते हैं। आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि नंदलाल बोस ने कौन सी गुफा में काम किया है, तो आंसर कहां जाएगा आपका? बाघ में भी किया है, साथ में अजंता की गुफा में भी किया है, याद रखना है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे असित कुमार हलदार ने कहां कहां पर काम किया है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? बाघ की गुफा में किया है, साथ में जोगी मारा की गुफा में किया है, याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, हो गया अजंता। अब आपको कमेंट में छाप के बताना है कि अजंता की जो प्रतिलिपियां हैं ये कौन से संग्रहालय में रखी गई हैं? अजंता की जो प्रतिलिपियां हैं वो कौन से संग्रहालय में रखी गई हैं? ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे आता है सिगरिया की गुफा, आगे आता है सिगरिया की गुफा।
इसमें जो काम किया है आपके मूरे भाई साहब ने किया है, और कब किया है, 1889 में किया है। कब किया है इन्होंने, 1889 में, कहाँ पर, सिगरिया की गुफा में। किसने, आपके मूरे भाई साहब ने, ठीक है। भूरे नहीं है, मूरे है, याद रखना है। ये नहीं कि भूरे लाल, काले लाल, पीले लाल सब बना दो आप, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि प्रतिलिपियां, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिगरिया की जो आपकी प्रतिलिपियां हैं ये किस संग्रहालय में रखी है, तो याद रखना है कोलंबस संग्रहालय में रखी गई है। किसकी, सिगरिया की, श्रीलंका में, ठीक है। आगे आगे दे रहा है जोगीमारा। पूछा जाएगा आपसे कि जोगीमारा की जो गुफा है इसमें किसने काम किया है, तो याद रखना है 1914 में आपके असित कुमार हल्दार भाई साहब थे, इन्होंने काम किया है। फिर आपके क्षेमेंद्रनाथ गुप्त थे, इन्होंने काम किया है, कहां पर, आपके जोगीमारा की गुफा में। इसकी प्रतिलिपियां पूछी जाती हैं, तो इसके लिए याद कर लीजिए भारत सरकार का जो आपका पुरातत्व विभाग है यहां पर इसकी प्रतिलिपियां रखी गई हैं। कौन सी प्रतिलिपियां, आपके जोगीमारा की। तो एक बार फास्ट वे में फिर से सुन लीजिए जल्दी से, बादामी गुफा, अहिवासी, कार्ल खंडालवाला, के हैबर, ललित कला के द्वारा इनको आमंत्रण भेजा गया था। आगे है बाघ गुफा, 1921 में हल्दार, नंदलाल बोस, 1925 में मुकुलडे, SS भांड, सुरेंद्रनाथ कर, VV जगपत, BN आमटे। फिर है इनकी प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी लाल, जो गुजरी महल संग्रहालय है वहां पर, और अजंता की जो गुफा है वो उसकी प्रतिलिपियां कहाँ है ये आपको बताना है। और 1910 में लेडी हरिंगम और इनके साथ 5 लोग थे, कौन कौन, क्या कहते हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त, के वेंकटप्पा, सैयद अहमद, नंदलाल बसु, ल्यूक तथा आर्चर, ये सब आपके अजंता में है। फिर दे रहा है सिगरिया की प्रतिलिपियां, ये हैं आपके कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में, और 1889 में यहाँ पर मूरे भाई साहब थे। आगे जोगीमारा की गुफा है, तो 1914 में असित कुमार हल्दार थे और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त थे, और यहाँ प्रतिलिपियां कौन, कहाँ पर रखी हैं, तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से, जैसे अभी हमने पूछा था आपसे कि नंदलाल बोस कौन कौन सी गुफा में कार्य कर चुके हैं, तो 4 ऑप्शन दे सकता है, और दे सकता है बाघ की गुफा हो जाएगी आपकी, और साथ में अजंता की गुफा हो जाएगी, तो इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी संभावना ना रखें कि कहीं आपका एक नंबर भी जाए, कहीं भी आपका कोई भी नंबर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ, और बढ़िया एकदम फुल एनर्जी के साथ, चलिए।